अस्सलाम वालेकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुश आमदीद। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी सिंपल मशीन्स के एक अहम टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिकल एडवांटेज। आज हम मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। यानी किसी मशीन के उठाए गए लोड और उसको अप्लाई की गई एफर्ट यानी फोर्स के दरमियान रेशो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट लिफ्टेड बाय द मशीन डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड। अगर हम कहते हैं कि W रिप्रेजेंट कर रहा है लिफ्टेड वेट को यानी उठाए गए वजन को, ठीक है, और P रिप्रेजेंट कर रहा है एफर्ट यानी फोर्स जो हमने अप्लाई किया उसको, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले को हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि MA इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय P। अब जैसा कि P अप्लाई की गई एफर्ट है यानी फोर्स है, इस तरह से वेट भी एक फोर्स है, ठीक है। तो इट मींस के मैकेनिकल एडवांटेज दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है, ठीक है। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता। यानी जब हम किसी मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड कर लेते हैं तो उसके साथ हम कोई भी यूनिट नहीं लगाते, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज को नंबर्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज के इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज के जितने भी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज का यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चाहे हमें किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना हो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यही रहेगा। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए आप इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मैकेनिकल एडवांटेज के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ क्रोबार विच कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 100 न्यूटन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक क्रोबार के मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करें, ठीक है, जिस पर अगर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए तो 100 न्यूटन वेट को उठा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वेट लिफ्टेड, तो वेट हमें कितना गिवन है, 100 न्यूटन, हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे एफर्ट अप्लाई। एफर्ट अप्लाइड में हम वो फोर्स लिखेंगे जो अप्लाई की गई है, ठीक है। तो 50 न्यूटन फोर्स, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिखेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट, वेट लिफ्टेड भी आप लिख सकते हैं और सिंपल वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट। अब वेट जो है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, वो क्या है, 100 न्यूटन है, और एफर्ट अप्लाई या फोर्स अप्लाई जो की गई वो कितनी है, 50 न्यूटन है। अब जब हम 100 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, टू के साथ हम कोई यूनिट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। 100 को 50 से डिवाइड करने से हमारे पास 2 आ गया है और ये 2 मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक है। यानी एक क्रोबार जिस पर अगर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए तो 100 न्यूटन वेट को उठा सकता है, उसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 2 है।